بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान सीरीज नावल सर्ड मागा बाय मज़र कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जीप तेज़ रफ्तारी से सड़कों पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर डीसी और साइड सीट पर मार्गरेट मौजूद थे। उगबी सीट पर दो आदमी बैठे हुए थे। डीसी, क्या हम जो कुछ कर रही हैं क्या ये वाकई दुरुस्त है? देखो, हालात लख्त ऐसे हो गए हैं कि हमारा फौरी एक्शन में आना ज़रूरी है, डीसी ने जवाब देते हुए कहा। तुम तो कह रही थी कि इमरान से ज़बरदस्ती उगलवाना पड़ेगा कि ख़जाना कहाँ है और फिर इसे हलाक कर दिया जाएगा। तुमने इस पर मज़ीद सोचा है? मार्गरेट ने कहा। क्या सोचना है, इस वक्त पोजीशन ये है कि ख़जाने का इल्म सिर्फ इमरान को है, जबकि कल सुबह डॉक्टर रज़ा इसे लेकर पहाड़ी इलाके में जाएगा, जहां इमरान डॉक्टर रज़ा को वो मकाम दिखाएगा जहां इसके मुताबिक ख़जाना है। इस तरह इमरान के बाद डॉक्टर रज़ा और फिर डॉक्टर रज़ा से चीफ सेक्रेटरी और मज़ीद लोग वाकिफ़ हो जाएंगे, डीसी ने कहा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन, मार्गरेट ने कहा, पहले पूरी बात सुन लो फिर फैसला करना। इस वक्त सिर्फ इमरान ख़जाने का महल वक़ूअ जानता है, इसलिए दो सूरतें हो सकती हैं कि इमरान से क्या तमाम मालूमात हासिल करके इसका खात्मा कर दिया जाए। इस तरह सिवाय हमारे और किसी को इस ख़जाने का महल वक़ूअ मालूम ना हो सकेगा। अगर ऐसा मुमकिन ना हो सका तो फिर इमरान को सुबह होने से पहले पहले हलाक कर दिया जाए ताकि ख़जाना महफूज रहे और फिर बाद में देखा जाएगा, डीसी ने कहा। ओह, फिर यह ख़जाना किसी को नहीं मिल सकेगा, ये इमरान का ही काम है, मार्गरेट ने कहा। पहले मैंने ये प्लान बनाया था कि इमरान की निगरानी की जाए और इस निगरानी के तहत वो मकाम हमारे सामने आ जाएगा, इमरान वापस चला जाएगा और आयरलैंड की हुकूमत भी इत्मीनान से बैठ जाएगी, क्योंकि आयरलैंड की हर कारकर्दगी काफ़ी सुस्त रहती है। बहरहाल, इस दौरान हम ये ख़जाना निकाल कर ले जाएंगे, लेकिन मुझे ख्याल आया कि हमारी निगरानी चेक हो सकती है, इसलिए हमें यहाँ की हुकूमत गिरफ्तार करके गोलियाँ मारकर हलाक भी कर सकती है। हम बहरहाल यहाँ गैर मुल्की हैं, इसलिए मैंने फौरन काम को सरंजाम देने को तरजीह दी है, डीसी ने तफसील से बात करते हुए कहा। तो मार्गरेट ने भी इस बात में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर बाद वो इस रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हो गए, जहाँ एक कोठी में इमरान और इसके साथियों की रिहाइश थी। थोड़ी देर बाद वो इस कोठी को ट्रेस कर चुके थे। इस कोठी का पाटक बंद था और बाहर बहसियत गार्ड कोई नहीं था। डीसी ने जीप एक साइड पर बनी हुई पब्लिक पार्किंग में ले जाकर रोक दी। आओ मार्गरेट, हम साइड से अचानक बेहोश कर देने वाली इंतहाई मौसर गैस फायर करेंगे और फिर उगबी तरफ से अंदर फायरिंग फैलांग कर हम फाटक खोल लेंगे और फिर जीप अंदर ले जाएंगे और इमरान को जीप में डालकर हेडक्वार्टर ले जाएंगे, डीसी ने अपने प्लान की वजाहत करते हुए कहा। और मार्गरेट ने इस बात में सर हिला दिया। फिर इसने जीप की साइड सीट उठाकर नीचे मौजूद बॉक्स में से एक गैस पिस्टल उठाकर सीट बंद कर दी। आओ मेरे साथ और तुम दोनों अभी यहीं रहोगे, डीसी ने इन दोनों मर्दों से कहा। यस मैडम, दोनों ने मौदबाना लहजे में कहा। डीसी ने अपने मुल्क के सफारतखाने से दो सिक्योरिटी गार्ड मंगवा लिए थे ताकि वो इनके साथ मिलकर काम निपटा सकें। साइड सड़क से गुजरते हुए डीसी ने गैस पिस्टल वाला हाथ ऊंचा किया और दूसरे लम्हे कटाक की आवाज़ के साथ ही एक कैप्सूल दीवार के ऊपर से गुजर गया। डीसी ने एक के बाद दूसरा कैप्सूल अंदर फायर कर दिया और फिर गैस पिस्टल वापस जैकेट की जेब में रख लिया। कोठी के उगबी हिस्से में दीवार ज़्यादा ऊंची ना बनाई गई थी, इसलिए डीसी और मार्गरेट दोनों आसानी से दीवार फैलांग कर अंदर पहुंच गईं। एहतियातन वो कुछ देर तक वहीं दुबकी रहीं, हालांकि इन्हें मालूम था कि वो अंदर गैस फायर कर चुकी हैं, इसलिए यहाँ मौजूद तमाम अफराद लाजमन बेहोश हो चुके होंगे। और फिर वाकई इन्होंने पूरी कोठी का राउंड लगाया। एक कमरे में इन्हें इमरान कुर्सी समेत फर्श पर लुढ़का हुआ दिखाई दिया। वो चूँकि इमरान से एक बार ज़ाती तौर पर मिल चुकी थी, इसलिए इमरान को पहचान लेना इनके लिए मुश्किल ना था। जाकर फाटक खोलो और जीप अंदर ले आओ, गार्ड को अंदर भिजवा देना ताकि वो दोनों मिलकर इमरान को उठाकर जीप में डाल दें, डीसी ने कहा। इसके साथियों का क्या होगा, इन्हें बेहोशी के आलम में गोलियाँ ना मार दी जाएँ? अरे नहीं, वो सियाहत के कागजात पर यहाँ आए हुए हैं और इनका बाकायदा नाम और दीगर कवायफ
हुकूमत के पास दर्ज हैं। अगर इकट्ठे 5 सयाहों के कत्ले आम की खबर मीडिया ने नशर कर दी तो यहाँ कयामत टूट पड़ेगी। वैसे भी वो ईमान के बगैर किसी काम के नहीं हैं, डीसी ने कहा तो मार्गरेट सर हिलाती हुई कमरे से बाहर चली गई। डीसी ने पहले इस कमरे की तलाशी ली जहाँ इमरान मौजूद था, फिर इसने साथ वाले दूसरे कमरों को भी चेक किया लेकिन कोई कारामद चीज़ ना मिल सकी। अचानक इसे ख्याल आया कि जिस मेज़ के सामने इमरान गिरा हुआ था इस मेज़ की साइड में एक बड़ा खाना भी था। इसने वापस इस कमरे में जाकर मेज़ की बड़ी दराज खोली तो वो चौंक पड़ी क्योंकि इसमें डायरी, राइटिंग पैड, खला से लिया हुआ एक तफसीली नक्शा और एक पुरानी सी किताब भी मौजूद थी। इसने ये सारा सामान दराज में ही पड़े हुए एक खाली शॉपर में भरकर मेज़ पर रख दिया ताकि वापस जाकर इत्मीनान से बैठकर पढ़ सके, क्योंकि इमरान इसी कमरे में बेहोश पड़ा हुआ था और ये सामान भी इसी कमरे में मौजूद था। इसलिए इसने यही अंदाज़ा लगाया था कि इमरान ने इस मटेरियल को चेक करके मालूम किया है कि ख़जाना कहाँ है। फिर वो कमरे के कोने में मौजूद लोहे की बड़ी सी अलमारी की तरफ बढ़ गई। इसने अलमारी खोली तो हैरत से जैसे बुत बन गई क्योंकि सामने अलमारी में असल शॉर्ट मागा पड़ी इसे नज़र आ रही थी। ये यहाँ क्यों लाई गई है, डीसी ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर अंदर हाथ डालकर इसने शॉर्ट मागा उठाई और फिर इसे बाहर मेज़ पर रख दिया। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और मार्गरेट अंदर दाखिल हुई। इसके पीछे दो सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर दाखिल हुए। अरे ये शॉर्ट मागा और यहाँ, मार्गरेट ने चौंक कर कहा। यहाँ अलमारी में पड़ी थी, जाहिर है इमरान ये कहकर लाया होगा कि खजाना तलाश करना है, डीसी ने कहा और मार्गरेट ने इस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दोनों सिक्योरिटी गार्ड इमरान को उठाए इस कमरे से बाहर निकले। इसे जीप की दरमियानी सीट के दरमियान ऐसे एडजस्ट कर दो कि वो बाहर से नज़र ना आए, मैं ये सामान लेकर आ रही हूँ, डीसी ने कहा तो मार्गरेट और सिक्योरिटी गार्ड बेहोश इमरान को उठाकर चले गए और फिर गेट के करीब मौजूद बड़ी सी जीप की उगबी सीमत के एक कोने में इमरान को लिटा दिया गया और इसका मुँह छोड़ कर बाकी जिस्म पर कपड़ा डाल दिया गया। इसी लम्हे डीसी भी वापस आ गई। इसने एक हाथ में शॉपर और दूसरे हाथ में शॉर्ट मागा पकड़ी हुई थी। इसने शॉर्ट मागा को उगबी सीट पर रख बैठे हुए सीट सिक्योरिटी गार्ड के हवाले कर दिया जिसने इसे इमरान के साथ ही फर्श पर डाल दिया। अलबत्त इस बात का ख्याल रखा गया कि रास्ते में जंप लगने या वैसे स्पीड ब्रेकर्स पर गाड़ी के उछलने पर तलवार कहीं इमरान को कोई जज़ब ना पहुँचा दे। ये बात वो इमरान से मोहब्बत के लिए नहीं सोच रहे थे बल्कि इस बिना पर सोच रहे थे कि इस तरह इमरान को रास्ते में भी होश आ सकता है। एक सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ सामान का शॉपर पकड़कर एक तरफ रख दिया था, फिर एक सिक्योरिटी गार्ड ने फाटक खोला तो ड्राइविंग सीट पर मौजूद डीसी ने जीप आगे बढ़ाई और फाटक से बाहर निकालकर साइड पर रोक दी तो वो सिक्योरिटी गार्ड फाटक बंद करके छोटे गेट से बाहर आया और इसने बाहर से कुंडी लगा दी और फिर वो जीप की उगबी सीट पर अपने साथी के साथ बैठ गया तो डीसी ने जीप आगे बढ़ा दी। इसके चेहरे पर खुशी और मुसर्रत के तासरात नुमाया थे कि इमरान जैसे सब इस तरह डरते थे जैसे वो कोई सांप हो, लेकिन यही इमरान इस वक्त इनके सामने बेबस पड़ा हुआ था। इसने दिल ही दिल में सोच लिया था कि इस इमरान का चाहे एक एक अज़ू क्यों ना काटना पड़े वो काटेगी ताकि इतना बड़ा ख़जाना इसके मुल्क आइसलैंड को मिल सके। ये जीप कहाँ ले जा रही हो, हेडक्वार्टर नहीं चलना? नहीं, मैं इसे 0.13 पर ले जा रही हूँ, वो शहर से दूर एक फार्म पर बना हुआ है, वहाँ ना इसके हलक से निकलने वाली चीखें किसी को सुनाई देंगी और ना ही गोलियों की आवाज़ें सुनकर हमसाया पुलिस कोई कॉल कर सकेगा, डीसी ने जवाब दिया। तुम न जाने क्यों बहुत अक्लमंद होती जा रही हो, मार्गरेट ने कहा तो डीसी बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ी। हमारी फील्ड में हर ऑप्शन के बारे में सोचा जाता है, फिर किसी एक ऑप्शन को इख्तियार किया जाता है, वरना हम पहले ही मिशन में मारे जा सकते हैं, डीसी ने कहा तो मार्गरेट ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 3 घंटों के मुसलसल और तेज़ रफ्तार सफ़र करके आखिरकार वो इस फार्म जिसे 0.13 का नाम दिया गया था पहुंच गए। वहां एक आदमी मौजूद था, डीसी ने हॉर्न दिया तो वो आदमी छोटा फाटक खोलकर बाहर आया और जीप में बैठी डीसी को देखकर इसने मोहतबाना अंदाज में सलाम किया। कैसे हो फ्रेड, डीसी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके मैडम, थैंक यू, फ्रेड ने कहा और छोटे फाटक से अंदर जाकर इसने बड़ा फाटक खोला तो डीसी जीप अंदर ले गई और एक तरफ बनी हुई पार्किंग में ले जाकर इसने जीप रोक दी और फिर वो सब नीचे उतर आए। वो मैकेनिज्म वाली कुर्सियाँ ओके है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्योंकि यहाँ तो बहुत कम आना जाना होता है, डीसी से वहाँ मुस्तकिल रहने वाले आदमी फ्रेड से मुखातिब होते हुए पूछा। सब ओके है मैडम, मैं बाकायदगी से चेक करता रहता हूँ, फ्रेड ने कहा। ओके,
जीप के उगबी हिस्से में बेहोश पड़े हुए एक आदमी को उठाकर अंदर ले जाओ और रॉड्स वाली कुर्सी पर बिठाकर रॉड्स में जकड़ दो और इसे अच्छी तरह चेक कर लेना, क्योंकि ये आदमी दुनिया का एक नंबर अदाकार है। ये बात ही इस अंदाज में करता है कि दूसरा इसकी बात पर यकीन करने पर मजबूर हो जाता है। डेसी ने हिदायत जारी की और फिर मार्गरेट को साथ लेकर वो बड़े कमरे में आकर बैठ गईं, ताकि इमरान को रॉड्स वाली कुर्सी में जकड़कर इसे होश में लाया जा सके। और फिर थोड़ी देर बाद फ्रेड अंदर दाखिल हुआ। मैडम, आपके हुक्म की तामील कर दी गई है। बेहोश आदमी को कुर्सी पर बिठाकर रॉड्स में जकड़ दिया गया है। बेहोश आदमी को होश में लाने के लिए एंटी गैस मौजूद है या नहीं? डेसी ने पूछा। मौजूद है, फ्रेड ने जवाब देते हुए कहा। ओके, आओ मार्गरेट चलें, डेसी ने उठते हुए कहा। और फिर वो दोनों फ्रेड के साथ एक कमरे में दाखिल हुईं तो सामने दीवार के साथ 10 रॉड्स वाली कुर्सियां मौजूद थीं, जबकि इमरान को दरमियान वाली कुर्सी पर बिठाया गया था। इन रॉड्स को चेक करो, डेसी ने कहा। यस मैडम, फ्रेड ने कहा और तेज़ी से आगे बढ़कर इस कुर्सी के पास पहुंचा और इसके सामने खड़े होकर इसने रॉड्स को चेक करना शुरू कर दिया। फिर वो मुड़ा और वापस आ गया। रॉड्स ठीक है मैडम, फ्रेड ने वापस आते हुए कहा। ये खुद ब खुद तो नहीं खुल जाते, डेसी ने कहा तो साथ मौजूद मार्गरेट बेख्तियार हंस पड़ी। क्या हुआ है तुम्हें, बच्चों जैसी बातें कर रही हो? अच्छा, जो कुछ मैं कह रही हूँ तुम इसे बच्चों की बातें कह रही हो। तुम्हें जल्द ही अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम गलत कह रही थी और मैं दुरुस्त, डेसी ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान कुर्सी पर लुढ़का पड़ा था। तुमने ये कैसे कह दिया कि ये खुद ब खुद तो नहीं खुल जाती? क्योंकि ऐसी कुर्सियाँ मैकेनिज़म के बगैर तो नहीं खुल जाती। मैंने एक बार देखा था कि एक आदमी का जिस्म रॉड्स वाली कुर्सी में जकड़ा हुआ था, कोड़ा मारा तो वह आदमी इस तरह तड़पने लगा जैसे ज़बह होते वक्त बकरी तड़पती है, और इसके तड़पते हुए रॉड्स खुल गए। इसलिए पूछ रही थी कि तुम इन बातों को छोड़ो, अब इस इमरान से ख़जाने के बारे में मालूमात हासिल करने दो, डेसी ने जवाब देते हुए कहा। और फिर वो सामने खड़े फ्रेड की तरफ मुड़ गई। फ्रेड, इसे होश में ले आओ। यस मैडम, फ्रेड ने कहा और कमरे के कोने में मौजूद एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। अलमारी खोलकर इसमें से इसने एक लंबी गर्दन वाली बोतल निकाली और अलमारी बंद करके वापस मुड़ा और इसने एक हाथ से इमरान के सर के बालों को पकड़कर एक ज़ोरदार झटका दिया और बोतल का दहाना, जो वो पहले ही खोल चुका था, इमरान की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद जब इमरान के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो इसने बोतल हटाई और इसका ढक्कन बंद करके वापस अलमारी की तरफ बढ़ गया, ताकि इसे वापस अलमारी में रख सके। डेसी और मार्गरेट जो सामने कुर्सियों पर बैठी थीं, दोनों की नज़रें इमरान पर जमी हुई थीं, जो अब सीधा बैठ गया था। इसका लुढ़का हुआ सर भी तवाज़ुन में आ गया था और फिर इसने बगैर कोई आवाज़ निकाले अपनी आंखें खोल दीं, लेकिन इसकी आंखों में धुंध छाई हुई थी। तुम्हारा नाम इमरान है और तुम पाकिस्तानी एजेंट हो, डेसी ने कहा तो इमरान के जिस्म ने झटका खाया और इसकी आंखों में मौजूद धुंध यक लख्त गायब हो गई। अब इसकी नज़रें सामने बैठी हुई डेसी और मार्गरेट पर जम गईं।